वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार कैसे हो आप सभी लोग, होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा कुछ अलग करने वाले हैं। तो अलग क्या करने वाले, तो आज की वीडियो में हम लोग जो है टॉप 5 जो फ्लायर्स है आर्क मोबाइल के वो देखने वाले हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, आर्क मोबाइल में सिर्फ 5 ही फ्लायर होते हैं, तो हम लोग जस्ट उसे रेटिंग देने वाले कि 5 फ्लायर्स कौन कौन से हैं और उनकी खूबियाँ क्या है, उस हिसाब से हम लोग उसे रेटिंग देंगे। तो ये मेरी रेटिंग्स होगी, लाइक मैं जो मतलब पूरा जो उनके यूजेस है वगैरह वो देख के आपको रेटिंग बता रहा हूँ। ये अलग अलग डिफर कर सकते हैं लोगों में कि लाइक जिनके यूजेस अलग है। तो बस ये क्लियर आउट करना चाहते था कि ये मेरी रेटिंग्स हो गए और यूजेस देख के मैं रेटिंग दे रहा हूँ, कोई ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। सो लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो और शुरुआत करते हैं 5 नंबर से। तो गाइस 5 नंबर पे हमारा आता है पेट्रोडॉन, या टेरानोडॉन बोलते इसे, लेकिन आर्क में सब लोग पेट्रोडॉन बोलते हैं। तो ये लास्ट में क्यों आता है, तो उसका रीज़न मैं बाद में बता दूँ। पहले तो ये काफ़ी स्पीड फ्लायर है और सबसे पहला फ्लायर जो आप लोग टेम करोगे आर्क मोबाइल में वो ये वाला फ्लायर होगा, क्योंकि इसका सैडल है जो सबसे पहले खुलता है। तो इसकी खूबी ये है कि ये काफ़ी तेज़ है, तो इसका जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेज है वो है इसका वेट। तो इसका वेट काफ़ी लो होता है जब आप लोग टेम करते हो, और टेम करने के बाद भी अगर आप लोग इसे अपग्रेड करोगे तो इसका वेट आप ज़्यादातर मतलब ज़्यादा हाई कर नहीं सकते। तो इसलिए ये लिस्ट में काफ़ी एंड में आता है, लेकिन इसकी जो मेन खूबी है स्टार्टिंग प्लेयर के हिसाब से स्पीड जो आपको चाहिए होती है आइलैंड को ट्रैवल करने के लिए, तो वो इसमें काफ़ी बढ़िया है। स्पीड में मैं कहूँगा कि लाइक फास्टेस्ट में आ सकता है ये, लेकिन वेट कहने गए तो कुछ आप इसके साथ लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए भाई ये कुछ ज़्यादा काम नहीं आएगा। जस्ट आपको थोड़ा सा मेटल वगैरह लाना होगा, क्योंकि मेटल भी कुछ कैरी नहीं कर पाएगा ये, और ये कुछ पिक भी नहीं कर सकता स्मॉल डायनोस के अलावा, लाइक डोडो वगैरह, डोडो लिथियोसॉर वगैरह ये सब पिक कर लेगा, लेकिन वही बस बड़े डायनो कोई पिक नहीं कर पाएगा। जैसे पैरासॉर हो गया अपना, देख सकते हो अभी यहाँ पे इसने लिथियोसॉर को तो पिक कर लिया है, तो अब इससे बड़ा कोई डायनो ये पिक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसका मतलब ज़्यादा कुछ यूजेस नहीं होते। जस्ट आपको ये फ्लायर और इसके कुछ स्पेशल एबिलिटी वगैरह भी कुछ है नहीं आर्क में, तो इसलिए ये लिस्ट में लास्ट में आता है, लेकिन एक स्टार्टअप प्लेयर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फ्लायर है, क्योंकि बाकी के जो फ्लायर के सैडल है वो काफ़ी लेट खुलते हैं, तो इसलिए लिस्ट में 5 नंबर पर आता है। तो अब चलते हैं हमारे नंबर 4 पर। गाइस हमारे नंबर 4 पर आता है टैपेजेरा, तो ये काफ़ी बढ़िया डायनो है, लेकिन ये लिस्ट में कम आता है वापस इसकी जो वेट की खूबी है उस वजह से। इस डायनो का भी वेट आपको बेस वेट काफ़ी कम मिलता है, जिस वजह से आप ज़्यादा कुछ कैरी नहीं कर पाते। तो पहले ही मैंने आपको इसका डिसएडवांटेज तो बता ही है, और इसमें वैसे कोई डिसएडवांटेज है नहीं। देखा जाए तो पेट्रोडॉन से इसकी स्पीड जो है वो लो है, मतलब इसकी स्पीड पेट्रोडॉन से काफ़ी कम है, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी स्लो है, लेकिन इसके एक जो मेन खूबी जो इसकी एक एबिलिटी कही जा सकती है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो जो लैंड करते हो आप लोग स्वाइप डाउन करते हो लेफ्ट साइड में, तो उससे अगर आप लोग किसी वॉल के पास करते हो, तो मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो वो ये करता है, मैं आपको कैमरा एंगल चेंज करके दिखा देता हूँ, तो वो ये कुछ करता है। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप लोग कोई गीगा टेम कर रहे हो या खेल लीजिए कोई मतलब बड़ा डायनो टेम कर रहे हो रेक्स वगैरह, आप जस्ट इसको ऐसे दीवार पे चिपका सकते हो और जस्ट आप लोग सीट बदलो अपनी और जस्ट ट्रैंकुलाइजिंग डार्ट वगैरह जो भी आपको मारना है वो करो, या पीवीपी में भी काफ़ी यूज़ आता है बेस के ऊपर किसी के लैंड करने का वगैरह, तो ये काफ़ी बढ़िया यूज है इसके। और इसके सैडल में आपको 3 सीट्स मिलती है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आप मल्टीप्लेयर खेल रहे हो तो आप अपने ट्राइबमेट के साथ इस पर ट्रैवल कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया खूबी दी गई है कि 3 सीट्स होती है इसमें, एक होती है फ्रंट, एक मिडल जो आपकी ड्राइव करती है, और एक बैक की सीट होती है ये वाली।
तो बाकी के जो दो सीट है उसमें आपको 360 एंगल मिलता है, जैसे आप लोग शूट वगैरह जो भी पीवीपी वगैरह भी कर सकते हो। ये भी पिक जो है अपने स्मॉल और मीडियम लेवल के करता है, इसलिए ये लिस्ट में फोर्थ नंबर पर आता है। तो और इसकी कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, जस्ट एक जो स्टिक करता है वॉल पे वो है, और इसका जो टेक सैडल है उसमें भी इतनी खूबियाँ नहीं है आर्क मोबाइल में। तो चलते हैं अभी हमारे नंबर थ्री पर। तो गाइस थ्री पर हमारा आता है रॉयल ग्रिफिन। तो अब कई लोग बोलेंगे कि भाई ग्रिफिन थ्री नंबर पे क्यों, ये तो नंबर वन फ्लायर होना चाहिए। तो मैं नहीं मानता ऐसा कि ये नंबर वन फ्लायर हो सकता है आर्क मोबाइल का, क्योंकि इसमें भी कोई खूबियाँ नहीं है। ये जस्ट एक आपको रॉयल करके देते ज़रूर है रॉयल नाम, लेकिन भाई इसमें कुछ स्पेशल एबिलिटी नहीं है कि लाइक इससे आपको कुछ बफ वगैरह कुछ मिलता नहीं है कि जिससे आपको हेल्प हो आपके इन गेम में। जस्ट ये आपको एक फ्लायर मिलता है। इसकी एक खूबी जो आपको मिल जाती है वो इसका जो स्प्रिंट, जो कि आप जब स्प्रिंट करते हुए जब आप नीचे डाइव करते हो तो ये डाइव अटैक भी होता है इसका और एक नीचे भी होता है, तो वो एक जस्ट खूबी आप लोगों को मिलती है। और इसमें भी आपको दो सीट मिलती है, एक ड्राइविंग और एक पीछे, तो ये भी आप लोग ट्राइबमेट के साथ यूज़ कर सकते हो। और सेम टैपेजरा जैसा इसकी बैक सीट में भी 360 व्यू आपको मिल जाता है, तो जिसकी मदद से आप लोग इजीली मतलब वही सब पीवीपी वगैरह हो, या पीवीपी में वैसे ग्रिफिन का यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भी सेम स्मॉल डाइनोस को ही पिक कर सकता है, लार्ज डाइनो को पिक नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको लिस्ट में थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। नहीं तो कई हो गए आर्क के प्लेयर जो इसको नंबर वन फ्लायर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन नहीं गाइस ये नंबर वन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना इसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है और इसका भी वेट कुछ इतना खास नहीं है, तो आप इसके साथ कुछ ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब कुछ मेटल वगैरह या जो भी है, क्योंकि आर्क में मेन आपको मेटल लगता है डंजन वगैरह करने के लिए, तो आप मेटल भी इसके साथ लेके ट्रैवल नहीं कर सकते। जस्ट इसका जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया होता है, मतलब इसके जो विंग्स है फोर चार पैरों पे चलता है ये, तो लुक के हिसाब से नंबर वन में आ सकता है, लेकिन एक फुल एबिलिटी या फुल यूजेस में ये नंबर थ्री पर मैं इसको कंसिडर करता हूँ। तो चलते हैं हमारे नंबर टू की तरफ। तो इस नंबर टू पर आ चुका है हमारा क्विट्जल। तो अब ये नंबर वन पे भी मैं पकड़ लेता, लेकिन जस्ट बिकॉज इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है इसलिए जस्ट थोड़ा सा स्लाइड हो गया, नहीं तो ये नंबर वन डायनो हो सकता था आर्क मोबाइल का फ्लायर में। तो अब इसकी खूबियाँ, तो इसकी खूबियाँ मुझे नहीं लगता मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है, आप लोग इसका मतलब अगर आप न्यू आर्क में, तो आप लोगों को बता देता हूँ ये एक बेस्ट वेट वाला डाइनो कंसिडर किया जाता है आर्क मोबाइल में, प्लस आर्क अगर आप पीसी की बात की जाए तो भी क्विट्जल उसी कैटेगरी में आता है कि हाई वेट कैपेसिटी के नाम पे। तो जो इसकी कैपेसिटी है वो आपको अराउंड बेस आपको 1000 किलोग्राम्स के ऊपर मिल जाती है, मतलब 1000 kg के ऊपर मिल जाती है, तो जिससे कि आप लोग बहुत कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब ये लेवल अप मेरा काफ़ी हो चुका है, तो इसका वेट आप देख सकते हो 1.7 kg है। तो अगर आप लोग बेस भी अगर आप लोग इन्हें ट्रैप करते हो मतलब पकड़ लेते हो टेम करते हो, आपको बेस इसके जो मिल जाएगा वो 1 kg मिल जाएगा वेट, और इसका जो हेल्थ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो और इसका यूज़ क्या होता है, तो और इसका यूज़ पीवीपी में काफ़ी किया जाता है, जो मल्टीप्लेयर पीवीपी होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका प्लेटफॉर्म शेडल होता है उस पर आप लोग बेस बिल्ड कर सकते हो, एक स्मॉल बेस टरेट लगा सकते हो जिसे आप लोग दूसरे के टरेट टावर तोड़ सकते हो और जस्ट पीवीपी में दूसरे का बेस डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो ये पीवीपी में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए हमारे लिस्ट में नंबर टू पर आता है इसके वेट कैपेसिटी और इसकी हेल्थ की वजह से। जस्ट इसकी स्पीड थोड़ी सी लो है, अगर वो फास्ट होती तो ये इजीली वन को क्रॉस कर जाता। तो अब बात करते हैं हमारे नंबर वन की। तो वैसे आप लोग पहले ही गैस कर चुके होंगे जब हमने रॉयल ग्रिफिन को नीचे किया कि अर्जेंट आवेश ही होने वाला है जो नंबर वन पर जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं अर्जेंट आवेश की। तो वैसे ये फ्लायर में नहीं ऑल ओवर डाइनोज में भी मैं इसको टॉप में कंसिडर करता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई इसकी एक तो वेट कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया होती है, तो अगर आप लोग वेट कैपेसिटी को भी बाजू में छोड़ दें तो इस
को जो ये आर्क मोबाइल में बढ़िया एबिलिटीज दी गई है, तो वो एबिलिटीज क्या है? तो इसमें जो है मेटल, स्टोन, ऑब्सिडियन, क्रिस्टल, ये सब जो होता है हैवी जो होते हैं, उनकी वेट रिडक्शन कैपेसिटी इसको दी गई है, तो जिससे कि आप लोग ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ें ला सकते हो अपने बेस पे। क्विटजल का तो आपको वेट ज़्यादा दिया जाता है, तो उतना वेट इसका है नहीं, लेकिन जो इसकी वेट रिडक्शन कैपेसिटी है उस वजह से ये क्विटजल से भी कई बार ज़्यादा अमाउंट ला सकता है। और ये मतलब डायनोस को भी पिक कर सकता है, अपने मीडियम लेवल तक के कर सकता है डायनोस को पिक। अगर क्विटजल की बात की जाए तो क्विटजल, मैमथ, थेरिजिनो, इन सबको भी पिक कर सकता है। ये एक तो को पिक नहीं कर सकता, ये अपने मीडियम साइज तक के पिक कर सकता है। तो यही हमारा नंबर वन डाइनो मेरे कंसिडरेशन में, तो यही हो सकता है, दूसरा कोई हो नहीं सकता फ्लायर में तो, क्योंकि जैसा कि मैंने बता ही चुका हूँ इसकी एबिलिटीज जो है। तो गाइज मैं अभी कहना चाहूँगा कि आप लोग लाइक एक आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि आप लोग गाइज शेयर नहीं करते हो वीडियो, जितना हो सके गाइज शेयर करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो लाता हूँ मैं, तो जितना हो सके उतना शेयर करो। तो गाइज होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और आप लोगों को इसमें क्या चेंजेस लगते हैं तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग किसकी जगह किसको प्लेस करना चाहोगे। तो मिलता हूँ ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।